चाट खाना किसको पसंद नहीं आता है, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी मखाना चाट रेसिपी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि देशवाल, खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मखाना चाट रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे पैन गर्म करके उसमें ऐड करेंगे मखाना। मखाना को हम यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मखाना को यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे ताकि मखाना जो है क्रंची सा बन जाए। बिल्कुल इसी तरीके से मखाना यहाँ पे रोस्ट हो चुका है, चलिए इसे निकाल लेते हैं। उसी पैन को फिर से चढ़ाएंगे, देन इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, साथ ही ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर एंड स्वाद अनुसार नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देन इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड मखाना। मखाना को सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे मसाला मखाना यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फिर चलिए चलते हैं चाट बनाने की प्रोसेस में। अब हम मखाना को ट्रांसफर करेंगे एक बाउल में, साथ ही ऐड करेंगे रोस्टेड मूंगफली, साथ ही इसके ऊपर ऐड करेंगे प्याज, साथ ही इसके ऊपर ऐड करेंगे ग्रेटेड गाजर, फाइनली चॉप टमाटर, एकदम स्मॉल पीसेस में कट किया हुआ बीटरूट डालेंगे यहाँ पे, फाइनली चॉप ककड़ी डालेंगे, तीखा के हिसाब से हरी मिर्च डालेंगे, कुछ धनिया के पत्ते, लास्ट में डालेंगे सेव, साथ ही ऐड करेंगे नींबू का रस। नींबू का रस के बदले में आप चाट मसाला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमारी चाट यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखा आपने कितना हेल्दी के साथ साथ कितना ज्यादा टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है। इतना हेल्दी चाट है कि ये रेसिपी बच्चों को जितना पसंद आएगी बड़ों के लिए भी उतना फायदेमंद है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा अनार। अब हमारी मखाना चाट बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।